Hi guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Thakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए पीरियड डेट से पहले स्पॉटिंग होने का क्या मतलब होता है. पीरियड डेट से पहले कई महिलाओं को स्पॉटिंग होती है और उन्हें पता नहीं है कि क्यों स्पॉटिंग होती है, किस कारण की वजह से महिलाओं को पीरियड डेट से पहले स्पॉटिंग हो सकती है. क्या पीरियड डेट से पहले स्पॉटिंग होना पीरियड आने का साइन है? क्या पीरियड डेट से पहले स्पॉटिंग होना इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है? क्या ये ओवुलेशन का साइन है? क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन है? तो आखिर क्यों पीरियड डेट से पहले महिलाओं को स्पॉटिंग होती है, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि पीरियड डेट से पहले अगर स्पॉटिंग आपको हो रही है, ये तो ये नॉर्मल साइन है या ये नॉर्मल साइन नहीं है. तो देखिए क्या होता है गाइस, जब महिलाओं का ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना. ओवुलेशन से पहले महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है और जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है तो इस टाइम महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का भी फ्लक्चुएशन होता है. यानी ओवुलेशन के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू हो जाता है. अगर ओवुलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है. इस कंडीशन में पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन के 14वें दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो जाती है. बट गाइज, अगर ओवुलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल मिल जाते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है. जब प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसका मतलब है एग जो फर्टिलाइज है वो मूव करना शुरू कर देता है फैलोपियन ट्यूब से. फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद जब वो यूट्रिन लाइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. और जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इस टाइम महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेजी से इंक्रीज होता है. तो देखिए गाइज, ओवुलेशन के बाद हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से कई महिलाओं की बॉडी में पीरियड आने से पहले स्पॉटिंग देखी जाती है और ये मेनली उन महिलाओं में देखी जाती है जिन महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है. पीएमएस का फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. इस कंडीशन में महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी की तरह लक्षण तो दिखाई देते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती है. तो इस कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं को पीरियड डेट से पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग होगी, फिर जो रेगुलर फ्लो होता है पीरियड का वो आना शुरू हो जाता है. तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा अपनी डाइट पे स्ट्रेस कंट्रोल करना है, योगा करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आप फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है. और इस कंडीशन में गाइज महिलाएं, कई महिलाओं को लगता है कि कैसे वो काउंटिंग करें कि उनकी पीरियड्स कब से स्टार्ट हो रही है, तब से करें जब रेगुलर पीरियड का फ्लो आ रहा है या तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब से महिलाओं को स्पॉटिंग शुरू होती है. तो गाइज, इस कंडीशन में आपका पीरियड साइकिल जो लेंथ काउंट की जाती है वो स्पॉटिंग के दिन से ही काउंट की जाती है. ऐसा नहीं है कि जब आपका पीरियड का फ्लो ठीक तरीके से आना शुरू हो रहा है तब से काउंट की जाती है. इस कंडीशन में आप ओवुलेशन को कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. और इसके अलावा गाइस, पीरियड डेट से पहले कुछ महिलाओं में ऐसा ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है, फिर जाके पीरियड्स आते हैं. तो ये उन महिलाओं में होता है जिन महिलाओं के यूट्रस में जो लास्ट मंथ पीरियड आई थी उस टाइम यूट्रस में थोड़ा ब्लड रुक जाता है, तो वो पुराना होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका कलर आपको ब्राउनिश लगता है. और पीरियड आने से पहले यही जो ब्लड है यही शेड होता है पहले स्पॉटिंग के फॉर्म में, और उसके बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है. तो इस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, इस कंडीशन में आपको यूट्रस को क्लींस करने का काम करना है, ताकि हर महीने जब आपकी पीरियड शेड हो तो उस दौरान आपका यूट्रस सही तरीके से क्लींस हो पाए. और यूट्रस को क्लींस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जिंजर वाटर और अजवाइन वाटर आप ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को सूट करता है. और इसके बाद बात करते हैं कि कुछ महिलाओं में पीरियड डेट से लाइक एक हफ्ता पहले भी स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, या कुछ महिलाओं में लाइक 3-4 दिन पहले या पीरियड डेट के आसपास ऐसा स्पॉटिंग दिखाई देती है जो ब्राउनिश और पिंकिश कलर की होती है. तो गाइस, इस कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो चुका है, यानी एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रल लाइनिंग में चिपक चुका है. तो इस दौरान क्या होता है, कई महिलाओं को जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है तो ऐसे ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखना शुरू हो जाता है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और ये ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देती है. इसके साथ आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होना भी शुरू हो जाता है. और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्पॉटिंग होगी फिर पीरियड का फ्लो आएगा, ये प्रेगनेंसी नहीं होती, ना ही इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन का जो स्पॉटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और इसमें आपको दिखेगा आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी
पेन हो रहा है, तो ये अगर इस तरीके की स्पॉटिंग हो रही है आपको पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले या पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से दो चार दिन पहले, तो ये साइन है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। इसके अलावा गाइज, अगर पीरियड डेट से 14 दिन पहले या आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के मिड में स्पॉटिंग हो रही है, जिसका कलर ब्राउनिश भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है और पिंकिश भी हो सकता है, तो ये साइन है कि आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है। क्योंकि जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है तो कई महिलाओं के केसेस में हल्की सी स्पॉटिंग भी होती है, तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। ये होता है कि आपकी बॉडी साइन देती है, कुछ बता रही है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो इस टाइम आपको कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि पीरियड डेट से पहले अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है, क्यों हो रही है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसे किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो होप करती हूँ गाइस इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।